नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिबू गेट पे। आप टेक यूट्यूब चैनल से ग्राफिक डिजाइन का एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है फोटोशॉप का पहला वीडियो। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो इसके लिए आपको जो है मेरे फेसबुक पेज में आना होगा। ये है मेरा फेसबुक पेज गेट पे अपटेक, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से मेरे फेसबुक पेज में आइए और मुझे फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको एक पोस्ट मिलेगा और उस पोस्ट से आपको जो है पता चलेगा कि कैसे फोटोशॉप आप ले सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। बट बिफोर स्टार्ट टुडेज वीडियो, मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी नया वीडियो आए। तो चलिए अभी फोटोशॉप को ओपन करते हैं। तो दोस्तों ऐसा लगता है फोटोशॉप देखने में। देखिए दोस्तों, ऊपर जो बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है ऊपर एकदम टॉप लेफ्ट साइड में, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडो, सेल्फ, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है मेनू बार। ये है मेनू बार, इसके मेनू बार बोला जाता है, ठीक है। इसके ठीक नीचे और भी बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, इसको बोला जाता है ऑप्शन बार। ये जो ऑप्शन बार है अलग अलग टूल के हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाता है, अलग अलग टूल का थोड़ा थोड़ा अलग अलग काम होता है, तो उस हिसाब से अलग अलग ऑप्शन ये दिखाता है। राइट साइड में देखिए, राइट साइड में आपको मिनिमाइज का, रिस्टोर का और क्लोज का बटन तो मिल जाता है। साथ में इसके नीचे देखिए इसेंशियल लिखा हुआ है, इधर क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली दोस्तों वर्क पेज है। वर्क पेज कैसा है, वर्क पेज मतलब अलग अलग काम के हिसाब से आपको इधर अलग अलग ऑप्शन दिखाता है। ये बिल्कुल मोबाइल फ़ोन में जैसे थीम होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। देखिए थोड़ा चेंज हो गया, देखिए थोड़ा और चेंज हो गया, तो ये अपने हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए तो अलग अलग चेंज इधर इधर अलग अलग चीज़ें आ गया। तो हम नॉर्मली एसेंशियल रख के काम करते हैं, ठीक है, एसेंशियल से रखते काम करते हैं। यही वर्क पेज सही होता है वो फोटोशॉप सीखने के लिए या फिर फोटोशॉप के ऊपर थोड़ा बहुत काम करने के लिए। हम चाहे तो हम अपने हिसाब से भी ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं, ठीक है। इधर बहुत सारा ऑप्शन है, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले इस तरफ आते हैं, लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारा छोटा छोटा आइकॉन देखने को मिलता है। ये दोस्तों हर एक चीज़ टूल्स है, ठीक है, इसके टूल्स बोला जाता है। इधर एक ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो ये टूल्स ओपन या क्लोज हो जाता है, ठीक है, मतलब ये चौड़ा हो जाता है या फिर पतला हो जाता है, आपको जैसा चाहिए आप वैसा रख सकते हैं। ऊपर देखिए दोस्तों, फाइल में जाएंगे और करेंगे न्यू, न्यू करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट बनेगा, जैसे हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाता है इलस्ट्रेटर में, बिल्कुल वैसा ही। क्लिक करेंगे, इसके शॉर्टकट है कंट्रोल एन। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है नेम, नेम क्या दें, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप क्या दें, नेम में आप लिख सकते हैं नेम, नेम में ट्यूटोरियल क्लास, मैंने ट्यूटोरियल क्लास दिया है। फिर इधर विथ हाइट है, पिक्सल लाइक चाहिए या सेंटीमीटर, इंच, मिलीमीटर, किस में चाहिए आपको विथ और हाइट, ठीक है। इधर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन दोस्तों अगर हम मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, वेबसाइट मतलब डिजिटल के लिए बना रहे हैं, डिजिटल यूज़ के लिए, तो हम 72 रखेंगे, और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं इसको तो हम 300 रखेंगे। ये सब चीज़ें मैंने इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल वीडियोस में बताया है, तो अगर आपने अभी तक वो सब नहीं देखा है तो जाइए और इलस्ट्रेटर का जो भी ट्यूटोरियल वीडियोस है वो आप ज़रूर देखिए, एकदम ग्राफिक डिजाइन के एक पहले वीडियो से, ठीक है, क्लास वन से आप देखना शुरू कीजिए, वरना आप इसको समझ नहीं पाएंगे। इधर कलर मोड, कलर मोड कैसे चाहिए, 8GB या CMYK के, ये दोनों के किस चीज चीज़ में यूज़ होते हैं मैंने पहले भी बताया है। तो आप जाइए और प्लीज़ आप इलस्ट्रेटर के वीडियोस ज़रूर देखिए, एकदम क्लास वन से देखना शुरू कीजिए तो आपको पता चलेगा। बैकग्राउंड कलर मतलब हम जो भी डॉक्यूमेंट लेंगे उसका कलर क्या होगा, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और एडवांस में जो भी चीज़ें हैं ना इसको ऐसा ही रखें, ज़रा सा भी चेंज मत कीजिए। फिर हम करते हैं ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्यूटोरियल क्लास लिखा है और ये जो बैकग्राउंड है डॉक्यूमेंट का इसको कैनवास कहा जाता है, ये जो आपको दिख रहा है इसको कैनवास कहा जाता है, ये वाइट है क्योंकि हमने वाइट लिया था, ठीक है। अब दोस्तों हमने डॉक्यूमेंट का बना लिया, अब इसको सेव करना सीखते हैं। फाइल में जाइए और इधर बोलिए सेव एज, ठीक है, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एस, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एस, ठीक है। अगर आपने शिफ्ट कंट्रोल एस दबाया है तो भी आपका डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। ट्यूटोरियल क्लास लिखा है, हम इसको सेव एस टाइप, इसको हमेशा
फॉर सब पीएचडी एंड पीडीडी जो फॉर्मेट लिखा है उसमें हम सेव करेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो होता है फोटोशॉप उसमें सेव करेंगे, दूसरे में नहीं। फिर हम करेंगे ओ सेव। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अपना पुराना डॉक्यूमेंट जो ओपन करना है तो आप इधर से इसको क्लोज कर लीजिए, इधर से क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है इधर से, या फिर फाइल में जाके अगर आप करते करते हैं क्लोज, कंट्रोल डब्ल्यू है इसका शॉर्टकट, ठीक है, क्लोज करते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट है हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट एक एक करके साइड में ओपन करके रखा हुआ है तो आप कर सकते हैं क्लोज ऑल, ठीक है। जो भी करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपने सेव किया है उसको ओपन करने के लिए, देखने के लिए आपको फाइल में जाना है, करना है ओपन, और ये आपको पूछेगा कि कहाँ है वो। तो इधर आपको दिखेगा जो भी लोकेशन है, जिस लोकेशन पे भी आपने सेव किया है उस लोकेशन पे जाइए। इधर मैंने ट्यूटोरियल क्लास के नाम से सेव किया है तो इधर मैंने वो सिलेक्ट किया, फिर करता हूँ मैं इधर ओपन, तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है फिर से ओपन हो जाता है। तो ऐसा करके आप जो है अपना जो भी फोटोशॉप फाइल है उसको आप नया फाइल बना सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और आप दोबारा से उसको ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ मेरा डॉक्यूमेंट है कि नहीं। अभी ये खाली है क्योंकि मैंने खाली रखा है। एक करके टूल सीखेंगे और मैं आपको सिखाता जाऊंगा कि कैसे फोटोशॉप आपको यूज़ करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।